जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लाए हैं रामायण की एक ऐसी छुपाई जो माता सरस्वती के वंदना के लिए। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, चाहे वो कितना भी बड़ा कवि हो, चाहे वो कितना भी बड़ा संगीतकार हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, वह माता सरस्वती को ज़रूर याद करता है, क्योंकि माता सरस्वती संगीत की, माता सरस्वती विद्या की देवी हैं, और बिना उनकी कृपा के निर्मल बुद्धि और विद्या नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे ही माता सरस्वती की वंदना करने के लिए हम लाए हैं रामायण की चौपाई। उस रामायण की चौपाई को जानने से पहले, अगर आप राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में लिख दें जय श्री राम। इसी तरह के रामायण की वीडियोस अपने मोबाइल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हम वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। रामायण की वह चौपाई जो माता सरस्वती की वंदना के लिए है, उसको माता सरस्वती की प्रतिमा के सामने बैठ कर, उनके चित्र के सामने बैठ कर माता सरस्वती को याद करते हुए बोलना है कि हे माँ सरस्वती, आप हमें विद्या प्रदान कीजिए, हमें निर्मल बुद्धि प्रदान कीजिए। माता सरस्वती निश्चित ही प्रसन्न होंगी और हम सब पर अपनी कृपा देंगी। रामायण की वह चौपाई है, ताके जुग पद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पावूं, ताके जुग पद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पावूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। जय श्री राम। धन्यवाद।